हेलो गाइस, अब मैं जा रहा हूँ, आज अष्टमी के दिन जा रहे हैं फैमिली भुवनेश्वर, पुरी, कोणार्क और भी जगह में घूमेंगे। और अभी फिलहाल अभी हम लोग हावड़ा में हैं और अभी हम लोग जाएंगे सीधा बाबू घाट। ट्रेन मिली नहीं है, बड़ी तकलीफ हुई, तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाबू घाट से, जाएंगे बस में। बस छोड़ेगी हम लोग की 8:30 बजे, हम बाबू घाट जाके दोबारा आपके संग ज्वाइन करेंगे। तो गाइज, बाबू घाट पहुँच चुका हूँ मैं। ये बाबू घाट का पूरा बस स्टैंड है, आप देख पा रहे हैं। और हमारी बस जो छोड़ेगी वो मैं बस में आपको दिखाऊंगा कि कितनी अच्छी बस है। और मैं बोलूंगा कि जब भी आप भी पूरी जाओ अगर कोलकाता से, तो बाबूघाट से उसी बस में जाना। और मैं बताऊंगा कि टिकट का कॉस्ट जो लगा है, स्लीपर का लगा है 2200 रुपए का फुल टिकट, जहाँ पर आपको 2 स्लीपर मिलेंगे। मैंने 2 लिया है, मैं आपको दिखाता हूँ बस, फिर आपको अच्छा लगेगा। ये है मेरी बस जिसमें मैं जा रहा हूँ पूरी भुवनेश्वर, आप देख पा रहे हैं। और जब भी आप भी जाएं कोलकाता से भुवनेश्वर, तो आप इनसे ही टिकट काटें और इन्हीं बस में जाएं। और आप इनका चाहें तो मैं आपको नंबर भी इनका दे सकता हूँ, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग नंबर ले सकते हैं, आप इन्हीं से कॉन्टेक्ट करिएगा, आपको रीजनेबल प्राइस में मिलेगा। और मैं आपको बस के अंदर में भी दिखाता हूँ कि बस कैसी है। चलिए बस के अंदर जाते हैं। ये है बस, आप देख पा रहे हो कितनी कंफर्टेबल है। देखिए, ये है 2x1 का है, ये मेरी सीट है। और यहाँ पर ये भी है सिंगल वाले में, आपको पूरा बस दिखने मिलेगा। ये और एक सीट है जो भी मेरी है, यहाँ सिंगल है, फुल बस है, पूरा साफ है, नीट एंड क्लीन है। तो आप अगर आए भुवनेश्वर जाने का सोचे तो आप इसी बस में जाए। तो मैं इन भैया का नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग प्लीज इन्हीं से कॉन्टेक्ट करिएगा। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा और लाइक जरूर करिएगा। ये आपको कराता हूँ दर्शन हमारे गंगा घाट का। चलिए गंगा घाट चलते हैं। गाइज, ये हमारा है चौकरू रेल बाबूघाट का, आप देख पा रहे हैं ट्रेन लाइन है। और सामने में देखिए, ये है आउटरम घाट जो कि सबसे पुराना घाट है कलकत्ता का। आज मैं आपको आगे भी जर्नी कराता हूँ, वेट। तो आ गए हम लोग, देखिए ये गंगा का पार्क है, रिवर पार्क, कितना बढ़िया लग रहा है लोकेशन, फैंटास्टिक लोकेशन है, आप देख पा रहे पूरी गंगा। और सामने ऐतिहासिक हिस्टोरिक हमारा हावड़ा ब्रिज जो कि लाइटिंग से भर्ती पड़ा हुआ है, ये देखिए आपको देख पा रहे होंगे, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हावड़ा ब्रिज है, लाइटिंग से भरा हुआ है। ये उस पार में है हावड़ा और इस पार में है कलकत्ता। हमारी बस छोड़ने में अभी बहुत आधा घंटे का समय है, तो मैं इसलिए गंगा घाट आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो गाइज, हमारे बस में हम आ चुके हैं, ये मेरी सीट है जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। ये देखिए सीट कितनी कम्फर्टेबल है, आप इसमें 2 जन आराम से, और अगर आपके पास बच्चे हैं छोटे छोटे तो एक ही में आपका हो सकता है। गाइज, इस कम्फर्टेबल है, एसी फैंटास्टिक काम कर रहा है, ये देखिए फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग मिलेंगे थोड़ी देर बाद। वेलकम बैक गाइज, आप देख पा रहे हो अभी भी हम लोग रास्ते पे हैं, अभी हम लोग बालासोर आने वाला है और बारिश बहुत तेज हो रही है। पेट्रोल पंप पे रुके हैं, गाड़ी रुकी है पेट्रोल के लिए, तो आगे बताता हूँ क्या होता है। तो गाइज, हम लोग भुवनेश्वर अभी भी पहुँचे हैं, 6:15 बजे के करीब पहुँचे हैं बस स्टैंड में। बारामुंडा उतारती है आप लोग को, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पर। हम लोग ऑटो में चढ़े हैं, अब हम लोग ऑटो से जा रहे हैं अपने होटल में। फाइनली हम लोगों को होटल मिल गया है, ये हमारा होटल है चंद्रकला गेस्ट हाउस, हम लोग यहाँ पर हैं। और यहाँ पर आपका नॉन एसी जो रूम है वो आपका पड़ेगा 900 रुपए, और जो एसी रूम है वो पड़ेगा आपका 1500 रुपीज। लेकिन सर्विस बहुत अच्छी है, लिफ्ट भी है, आपको यहाँ पर लिफ्ट भी मिलेगी। इनका रूम भी अच्छा है, सीसीटीवी लगा हुआ है, लोकेशन बहुत अच्छा है, स्टेशन के बगल में है, भुवनेश्वर स्टेशन के बगल में है। ये मो बस का स्टैंड है, मो बस से आप कहीं पर भी जा सकते हो भुवनेश्वर के इंटरसिटी में, यहाँ तक कि पुरी में भी आप जा सकते हो इससे। तो इट्स वेरी इजी टू गो अराउंड विद द भुवनेश्वर सिटी। और सामने ही ऑटो भी मिल जाएगा आपको। चलिए मैं आपको तब तक उसके पहले एक बार होटल दिखाता हूँ। तो ये होटल है, इंटरफ्रेंस है होटल का, और हमारा है ऊपर में, आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इनका, इस होटल का लिंक दे दूंगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर आपको देखिए रूम भी है, यहाँ पर लिफ्ट भी है, अभी हम लोग लिफ्ट में जा रहे हैं। तो हम लोग अपने सेकेंड फ्लोर में आ चुके हैं, और ये देखिए सारा रूम्स है यहाँ पर, 10 रूम मिलेंगे आपको यहाँ पर टोटल हर एक फ्लोर में। रूम दिखा देता हूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपको समझ में आने में। ये हमारा रूम है, साफ है, बहुत साफ सुथरा है। सामने देखिए आपको मोबस का, जैसे मैंने बोला मोबस का बस स्टैंड है, विंडो है बहुत अच्छा है, टोटल चीज सब बहुत बढ़िया बनाया हुआ है। इधर बहुत अभी खराब है, बारिश हो रही है, लेट्स सी। अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे घूमने के लिए,
तो वहां पर मिलते हैं आप लोग से। तो थैंक यू सो मच गाइस।